गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, दिस इज़ राजेश्वरी योर मैथ्स टीचर, वेलकम्स यू टू द मैथ्स क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर रिवाइजिंग आवर चैप्टर्स। कल हम लोगों ने जो वर्कशीट लिया था उसमें आप लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, तब पर भी कुछ बच्चों का कुछ कुछ की पॉइंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। अभी हम रिविज़न को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 3 यानी कि हाउ मच कैन यू कैरी का रिवीजन शुरू करेंगे। यहाँ पे बच्चों, हाउ मच कैन यू कैरी में पर्टिकुलरली हम कुछ चीज़ों पर फोकस करेंगे, जैसे कि हम जब कुछ चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, या तो कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट में उसको नापते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ लिक्विड जैसे कि पेट्रोल खरीदते हैं या फिर दूध खरीदते हैं, तो दूध वाले से हम बोलते हैं कि एक लीटर दूध हमें दीजिए या फिर 2 लीटर पेट्रोल हमारे बाइक में भर दीजिए, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हम हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे हाथों में आ सकता है और वो प्रतिदिन के व्यवहार में व्यवहार किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल पटाटोज, ओनियन, टमाटो, ब्रिंजल, राइस, दाल, ठीक है, ये सब हमें घर में व्यवहार किया जाने वाला सामान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को जब हम खरीदते हैं तो उसको हम कौन से मेजरमेंट यूनिट में नापते हैं? वेरी गुड, ये किलोग्राम में नापा जाता है। तो बच्चों, आप लोग अगर कभी बाजार गए होंगे, दुकान में देखे होंगे, ऐसा एक मशीन होता है ना, ठीक है। आजकल ये तराजू बहुत कम व्यवहार किया जाता है, लेकिन इसके अलावा आजकल डिजिटल जो होता है, डिजिटल तराजू का बहुत प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे डिजिटल तराजू के ऊपर एक स्टील प्लेट जैसा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर हम पॉलिथीन में सामान वगैरह भर्ती करके उसको कितना वेट हुआ वो डिजिट्स लिख लेता है। मान लीजिए कि आप 2 किलो का सामान लेके आना चाहते हो और आपका वहाँ पे लिखा गया 2.1, इसका मतलब हो गया ये 2 किलो से ज़्यादा हो गया, तो दुकानदार क्या करता है, कुछ उसमें से निकाल कर बिल्कुल जब 2 हो जाता है तो उसको वो बोलता है कि 2 किलो हो गया, ठीक है, 2 किलो हो गया, अभी हम लोगों को नापना समाप्त हो गया और ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग आज ये चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि तराजू है, वेइंग मशीन, हम जो मेज़र करते हैं उसको ग्राम या किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है। हेवियर मीन्स भारी होता है और लाइटर मीन्स हल्का होता है, ठीक है। उसके अलावा सर्कल द हेवियर, इसमें से जो भारी है उसको सर्कल करना है। एक ग्लास वाटर, एक बकेट वाटर, कौन सा भारी है? एक बकेट वाटर, तो हम लोग इसको सर्कल करेंगे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे देखिए, 1 लेमन 1 पपाया, एक नींबू और एक पपाया, इनमें से कौन सा भारी होगा? ऑब्वियसली पपाया ही भारी होगा, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है। अभी 10 मैंगोज एंड 10 फ्लावर्स, 10 आम और 10 फूलों में से कौन सा ज़्यादा भारी होगा? 10 आम भारी होंगे, तो इसको हम सर्कल करेंगे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे लाइटर ऑब्जेक्ट यानी कि जो हल्का है उसको हमें गोला लगानी है, ठीक है। 2 pen and 2 notebooks, कौन सा हल्का है? 2 pen हल्का है, तो इस पे गोला लग गया। एन एलिफेंट एंड ऑक्स, एक हाथी भारी लगेगा कि एक एक ऑक्स भारी है, हल्का है, ऑक्स हल्का है, तो इस पे गोला लग गया। एक कप एक जग, आप जो टी पीते वक्त जो व्यवहार करते हो वो कप, और एक पानी का जग, कौन सा ज़्यादा हल्का है? कप, सो इस पे भी गोला लग गया, ठीक है। आशा करती हूँ कि हाउ मच कैन कैरी यू कैन कैरी इसमें आप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर तब पर भी कुछ डाउट्स है तो हमें पूछ लीजिए।